अनुच्छेद तीनशे सत्तर रद्द केल्यामुळे संपूर्ण जगात भारताचा डंका वाजत असल्याचा पुनरुच्चार करताना मोदी म्हणाले गेल्या सत्तर वर्षापासून अनुच्छेद तीनशे चा जम्मू काश्मीरच्या विकासात अडथळा झाला होता तो दूर करण्याचा बाता अनेकांनी मारल्या पण कोणीही हिंमत दाखवली नाही एकविसाव्या शतकातील या निर्णयामुळे भारत निर्भय असल्याचं जगाला समजलंय भाजप शिवसेना युतीच्या प्रचारासाठी सर परशुराम महाविद्यालयाच्या मैदानावर मोदी यांची जाहीर सभा झाली केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर महापौर मुक्ता टिळक राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील शहराध्यक्ष आणि उमेदवारांनी यावेळी उपस्थिती लावली आहे अनुच्छेद तीनशे सत्तर रद्द केल्यामुळे संपूर्ण जगात भारताचा डंका वाजत असल्याचा पुनरुच्चार मोदींनी परत एकदा केलाय कि भारत के विकास में हर भारतीय का योगदान काउंट होना चाहिए साथियों सामूहिकता की इसी ताकत को सरकार के एक एक बड़े फैसले के माध्यम से आप अनुभव कर रहे हैं और आज देशवासी भी इन बातों को गुनगुनाता है ये फैसला है आर्टिकल 370 का 370 का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए भविष्य का सत्तर साल से 370 की ये बहुत बड़ी रुकावट एक देश एक संविधान इसकी राह में खड़ी थी इस रुकावट को दूर करने की बातें तो बहुत हुई साथियों इस रुकावट को दूर करने की बातें बहुत हुई लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई आखिर क्यों क्या भारत के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है जी नहीं पहले भी बनी है क्या पहली बार किसी दल को लगातार दूसरी बार आने का अवसर मिला है जी नहीं पहले भी मिला है तो इस बार क्या परिवर्तन आया है इसका जवाब यह है कि अब भारत संगठित है सामूहिकता का भाव है और समस्याओं का सही समाधान चाहता है